हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली वॉक्स। आज हम बनाने जा रहे हैं घी राइस। ओके, इसके लिए मैंने कुकर ले लिया है, जिसमें मैंने करीब 1.5 टीस्पून मैंने घी डाल दिया है। ठीक है, और जैसे ही ये घी गरम होगा, इसमें खड़े मसाले डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक इलायची डाला है, 2-3 क्लोव्स डाले हैं, एक सिनेमन, छोटा सा सिनेमन का स्टिक डाला है। ठीक है, और अब थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ ज़ीरा। ठीक, अब ये थोड़ा घी में मैं अच्छे से इसको फ्लेवर आने तक भुनूंगी। ऐसे हिला दे, मतलब हिला के दे दें, तो वो जो उसका तेल में जो इस इन चीज़ों का फ्लेवर अच्छे से चला जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक छोटा स्लाइस्ड ऑनियन डाल रही हूँ। ठीक है, एक छोटा सा ऑनियन ले लें, नहीं तो अगर मीडियम साइज ऑनियन है आपके पास तो आधा प्याज आप इसमें डालेंगे, और इसको मैं थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने तक इसको अच्छे से भूनूंगी। ये देखिए, हमारा जो प्याज है वो लाइट ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी पानी। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप मैंने राइस लिया था, बासमती राइस। तो यहाँ पे मैं 3 ग्लास पानी डालूंगी, तो वो अपने आप जो चावल ले रहे हैं उस हिसाब से आप पानी डाल दें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 ग्लास पानी डाल दिया है, और जस्ट मैंने हल्का सा मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी नमक, नमक जो डाल रहे हैं वो थोड़ा सा मिक्स करके आप एक बार टेस्ट कर लेना पानी को, तो नमक का वो एक लेवल ऊपर होना चाहिए, ताकि जब हम चावल इसमें डालें तो चावल में प्रॉपर नमक का वो जा पाए। तो जैसे ही पानी में सब मिक्स हो गया, अब मैंने यहाँ पर चावल डाल दिया है। ये मैंने धोकर आधे घंटे तक भिगो के रखा था। तो मैंने यहाँ पे 1.5 ग्लास चावल लिया है, जिसके लिए मैंने 3 ग्लास पानी डाला है। तो वही चावल अच्छे से इसमें डालकर मिक्स करना है। जैसे सारा चावल डल गया, कुकर को बंद करके इसको 2 विसल आने तक स्टीम करना है। तो अब ये देखिए, जो हमारा जो चावल है वो कैसा रेडी हो गया है, खिले खिले चावल। अब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पैन ले लिया है, जिसमें मैं यहाँ पर घी, थोड़ा सा घी और थोड़ा सा तेल मिक्स कर डालूंगी। आपकी आपका मर्ज़ी है, अगर आपको पूरा घी यूज़ करना आप घी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर करीब आधा चम्मच घी लिया, साथ ही मैंने यहाँ पर एक बड़ा चम्मच मैंने तेल ले लिया। अब वो जैसे ही गर्म होएगा, मैं इसमें क्या करूँगी, एक आधा स्लाइस्ड ऑनियन इसमें फ्राई करके निकालूँगी। ओके, अच्छे से डालकर इसको जस्ट फैला दें, ताकि जो ऑनियन है वो अच्छे से ब्राउन हो जाए। वो जैसे ही ब्राउन होने लग जाएगा, गैस बंद कर देना, और जो ऑनियन है उसको निकाल के साइड पे रख देना। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स जो हमें चाहिए वो हम फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कैशनट लिया है, जो मैंने अभी जो फ्लेम है वो बिल्कुल मीडियम कर रखा है, और
अब उस पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ये जब तक ब्राउन नहीं होता तब तक हमें इसे फ्राई करना है। ये देखिए ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। अब इसको भी हम जैसे ही ब्राउन ये हो गया ब्राउन, तो अब हम इसको भी गैस से निकाल लेंगे। अब हम इसमें जो रेसिन्स है वो हम फ्राई करेंगे। तो जस्ट मैंने थोड़ा सा डाला है एंड वो भी हल्का सा, जैसे ही फूल जाएगा हम इसको भी स्टव से हटा देंगे। इसमें मैं थोड़ा सा क्या है, ऑनियन फ्राई किया हुआ डालूंगी और ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। ये आप ऑप्शनल है, अगर आपको करना है, आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। अब ये सब डाल के मैंने जस्ट एक बार इसको मिक्स कर दिया है। ये मेरा घी राइस रेडी है। आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।